डॉक्टर ने एकदम मना किया उसके बात करना दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि इस घोर कलयुग जमाने में आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ना उठाकर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं। इस तरह की खबरें और तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि बच्चे माँ बाप को अपने पास रखने के लिए इतनी जिद करने लगे कि उनमें आपसी लड़ाई शुरू हो जाए। दोस्तों, ये वाक्या मज़ेदार है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये पूरा वाक्या मध्य प्रदेश का है, जहाँ 85 साल की बुजुर्ग माँ को अपने पास रखने के लिए चार भाइयों के बीच सोमवार को प्रदेश के जिला देवास में SDM कार्यालय परिसर में जमकर विवाद हुआ। विवाद पारिवारिक था, जिनमें तीन भाई अपने छोटे भाई के खिलाफ खड़े नजर आए। उनमें माँ किसके साथ रहेगी, इस बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। दरअसल CISF से रिटायर्ड छोटे बेटे प्रहलाद सिंह यादव ने SDM कोर्ट में आवेदन लगाया था कि उनके तीन भाई माँ सूरजबाई को उनके पास से जबरदस्ती ले गए हैं, जबकि मैं माँ को अपने पास रखना चाहता हूँ। प्रहलाद ने बताया कि 20 साल से माँ उसके पास है, तीन भाइयों ने उन्हें अगवा कर लिया है। मामले में BNP थाना पुलिस मां सूरजबाई को सोमवार को SDM कोर्ट में सर्च वारंट पर बयान के लिए लेकर पहुंची, लेकिन इस दौरान तीन भाइयों विक्रम सिंह, कंचन सिंह और परमानंद ने आरोप लगाया कि हमारी मां को पुलिस जबरदस्ती उठा लाई है। हमने पुलिस से कहा कि यह पारिवारिक मैटर है। हंगामे के दौरान SDM कार्यालय परिसर में परिवार के सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। वहीं पुलिस का कहना है कि हम सूरजबाई को सर्च वारंट पर बयान के लिए यहां लेकर आए हैं। मां को अपने पास रखने को लेकर SDM कार्यालय परिसर में भाइयों के बीच करीब 2 घंटे तक जमकर कहा सुनी और विवाद होता रहा। SDM कोर्ट में माँ सूरजबाई के बयान हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 सालों से ज़्यादा समय से मैं छोटे बेटे के पास रह रही हूं और आगे भी उसी के साथ रहना चाहती हूं। मां की इच्छा के मुताबिक उन्हें छोटे बेटे प्रहलाद के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में SDM ने कहा कि मां को अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। मां को जहां छोड़ा जाएगा वहां जाकर हमारी टीम पूरी जाँच करेगी कि माँ को सही से रखा जा रहा है या नहीं। दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में ये जाना कि इन चारों भाइयों में माँ के लिए कितना प्यार है, लेकिन इस प्यार के पीछे शायद लालच भी छुपा है, और वो है ज़मीनी लालच। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से इन चारों भाइयों के बीच विवाद हुआ है। इस मामले में एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि सूरजबाई के नाम पर 2 बीघा ज़मीन है। चारों भाई इसी के चलते माँ को अपने पास रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि माँ जिस बेटे के पास रहेगी, ज़मीन भी उसी बेटे के नाम होगी। वहीं SDM कार्यालय के बाहर छोटे बेटे के परिवार से मारपीट पर तीनों बेटों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।